अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप देख सकते हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान बाबर आजम यहाँ पर पिच का मुआयना कर रहे हैं और साथ में न्यूजीलैंड टीम के कप्तान भी मौजूद हैं और अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर ट्रॉफी अनवीलिंग होगी। ये दोनों कप्तान आप देख सकते हैं, बाबर आजम पिच का मुआयना कर रहे हैं, साथ न्यूजीलैंड के कप्तान भी मौजूद हैं। सॉरी, ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के मनाजिर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अभी ट्रॉफी अनवीलिंग होगी, यहाँ पर दोनों कप्तान आ रहे हैं। दोनों कप्तान यहाँ पर हल्की गपशप लगा रहे हैं और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ट्रॉफी अनवीलिंग होगी। ब्रेसवेल और बाबर आजम को आप देख सकते हैं। ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ के आप नाज़िर देख सकते हैं कि दोनों टीमों के कप्तान जो हैं वो यहाँ पर ट्रॉफी अनवीलिंग के लिए पहुँच गए हैं और इससे पहले उन्होंने पिच का मुआयना किया। दोनों टीमों के खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज दूसरे रोज़ और रावलपिंडी में आप आखिरी रोज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे आज मैच से पहले। अभी कुछ देर के बाद दोनों कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ये ट्रॉफी अनवीलिंग के लिए पहुँच चुके हैं। दो तीन पोजेस देंगे ट्रॉफी के साथ क्योंकि प्रिंट मीडिया के लिए अलग होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग होगा। दोनों टीमों के कप्तान आपस में गपशप लगा रहे हैं। दोस्तों, ये दोनों कप्तान इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़े हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, और ट्रॉफी को भी ब्लैक कपड़े के अंदर ढांक के यहाँ पर रखा गया है और अब ये कपड़ा हटाया जाएगा, यानी ट्रॉफी अनवीलिंग की जाएगी। ये ट्रॉफी आप देख सकते हैं, अभी आपको नज़र आएगा कि ये ट्रॉफी है पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़, जो 5 T20 मैचेस खेले जाने हैं उसकी खूबसूरत ट्रॉफी। दोनों कप्तान खुशगवार स्माइल के साथ ट्रॉफी अनवीलिंग कर रहे हैं। एक बार फिर पर्दा रखा जाएगा और फिर हटाया जाएगा, उसकी वजह यह है कि डिफरेंट मीडिया आउटलेट यहाँ पर मौजूद हैं ताकि सबके लिए हो। अगर सही हो गया तो फिर शायद ना जरूरत पड़े। अब कप्तान, ग्राउंड स्टाफ भी साथ में खड़े हैं, जो खास बात है, लेकिन अब हट गए हैं, स्पॉन्सर साथ में खड़े हैं और ये ट्रॉफी अनवीलिंग हो चुकी है। दिखाई जाती है कि ये ट्रॉफी है एक्चुअली।